गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी हैव टू लर्न इंग्लिश इन स्टैंडर्ड 5। सो किस लास्ट टाइम मैंने आपको हमारी जो चैप्टर 8 यानी कि यूनिट 8 का फर्स्ट टॉपिक था नोबडीज फ्रेंड वाला, वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया है कि क्या दिया है आपको पोयम में। ओके, तो हमारा पेज नंबर 130 और 131 कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से अंडरलाइन वर्ड लिखे हैं 3 टाइम और अच्छे से पोएम रीड भी कर ली है और समझ भी ले है। तो आज हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 132 से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर जो है, ये रीडिंग इज़ फन, तो ये वाले क्वेश्चन आंसर कंपलसरी सारे बच्चों को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं बोलती जा रही हूँ तो समझते जाना है और नोटबुक में लिखते भी जाना है। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, क्वेश्चन लिख देने हैं आपको अपनी नोटबुक में और आंसर की जगह छोड़ देनी है ताकि वीडियो में देख देख के आप जो है अच्छे से वो लिख सको। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। व्हाट आर द थिंग्स, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें थी द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर, तो वो लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी। ओके, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो वो लड़की शेयर नहीं करना चाहती थी, तो हमें पता ही है कि उसके पास क्या क्या था। तो उसके पास है स्वीट्स, बुक्स और डॉल, तो वो शेयर नहीं करना चाहती थी। तो आपको लिखना है आंसर में, कहाँ से लिखेंगे आप आंसर, ध से आंसर यहाँ से लिखना है, द गर्ल does not want to share her sweets, 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 comma, her books, HERBOOKS, books, and her doll with anyone. तो क्या लिखेंगे आंसर, फिर से मैं बता रही हूँ, the girl does not want to share her sweets, her books, and her doll with anyone. Okay, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। उसके बाद है इस क्वेश्चन नंबर 2, did the boy share his toffee and tricycle with others, कि जो लड़का है वो अपनी टॉफ़ी और ट्राईसाइकिल किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहता था। तो आपको पता ही है कि जो लड़का है उसे भी शेयर नहीं करना था उस लड़की की तरह। तो क्या आंसर लिखेंगे, द बॉय डिड नॉट, डिड नॉट शेयर, SHAR शेयर हीज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विथ अदर्स, कि जो लड़का है वो भी अपनी टॉफ़ी और ट्राईसाइकिल दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो क्या लिखेंगे, फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विथ अदर्स। तो ये सेकेंड का आंसर हो गया, फुल स्टॉप। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर The two children nobody's friend, क्यों ये दोनों बच्चे किसी के भी फ्रेंड नहीं हैं। Why are the two children, ये दोनों बच्चे क्यों nobody's friend, किसी के भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि वो अपनी थिंग्स जो है, चीज़ें जो है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए तो आंसर लिखना है आपको, because they do not share, SHER share their, TEIR their, TEIR their things with anyone, because they do not share their things with anyone, क्योंकि वो दोनों को अपनी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी थी, इसकी वजह से वो किसी के फ्रेंड्स नहीं थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में लिखना क्या है क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर। व्हाट डज द चाइल्ड,
मतलब जो बच्चा है इन द लास्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा में वॉन्ट टू शेयर, क्या शेयर करना चाहते हैं? तो लास्ट स्टेंजा में जो बच्ची है, आपको पता है ये लड़की है, वो क्या क्या चीज़ें शेयर करना चाहती है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि वो क्या क्या चीज़ें शेयर करना चाहती है। तो हमें लिखना है आंसर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द चाइल्ड से। द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वॉन्ट टू शेयर ऑल द स्वीट्स, उसके सारे स्वीट्स, ऑल ए डबल एल ऑल द स्वीट्स, कॉमा हिज बॉल उसका बॉल, बुक्स गेम्स एंड हाफ ऑफ एन एप्पल एंड केक्स। तो यहाँ पे है ना हीज नहीं आएगा क्योंकि वो लड़की है, तो यहाँ पे लिखेंगे हर। ओके तो आपको क्या लिखना है? द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वॉन्ट टू शेयर, ये तो आपको क्वेश्चन में से देख देख के ही लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको ऑल द स्वीट्स ए डबल एल ऑल द स्वीट्स एस डब्ल्यू डबल ई टी एस स्वीट्स, कॉमा हर बॉल उसका बॉल, बुक्स उसके बाद है गेम्स जी एम ई एस गेम्स एंड हाफ ऑफ एन एप्पल एंड केक, और उसके एप्पल और केक में से वो आधा आधा बांटना चाहती है। सो किड्स, आपके यहाँ पे चार क्वेश्चन आंसर्स जो है मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद है लेट्स टॉक, तो ये आपको नहीं करना है। तो किड्स, आज के लिए बस हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये चार क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके और अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में लिखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं लिखने हैं। कोई भी बच्चा टेक्स्ट बुक में मेरी तरह नहीं लिखेगा, सभी को कंपलसरी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से क्वेश्चन आंसर लर्न भी कर लेने हैं। सो आज के लिए बस यहाँ तक ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे। और लेट्स टॉक के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको सोचने के लिए होते हैं। तो आप इसे रीड करना, अगर समझ में आ रहा है तो आप सोच लेना, ओके। तो आज के लिए बस यहाँ तक ही, थैंक यू।